आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी हेल्प में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, हमें जैसे कि कोई भी इमेजेस वगैरह आते हैं, इमेजेस वीडियोस जो कि JPG फाइल में होती है, PDF फॉर्मेट में जो हमें आती है, जिससे हम अपने गैलरी में सीधा सीधे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम उसे क्लिक तो करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ये इमेज तो आ रही है, लेकिन ये हमारी गैलरी में शो नहीं हो रहा है। इसके आप लोग देख सकते हैं, हम अपना गैलरी ओपन कर रहे हैं। चलिए अपने गैलरी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमारे फोटो लिखा आ रहा है, हम इस पर करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे फोटोज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं जो हमें भेजा गया है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके बैक हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइस, स्टार्ट मैसेजेस, पेमेंट्स के नीचे में सेटिंग लिखा रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट प्राइवेसी, अवतार, चैट्स लिखे आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली 4th ऑप्शन जो चैट का है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे थीम, वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें दिख रहे होंगे, इससे में आपको मीडिया विजिबिलिटी लिखी आ रही होगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसे ऑन कर देना है। इससे समझिए अगर आपका ये ऑफ रहेगा तो कोई भी अगर आपको वीडियो, इमेजेस कुछ भी भेजता है, अगर वो PDF फॉर्मेट में नहीं भी है तब भी वो आपके गैलरी में शो नहीं होगा, तो आपको इसके सिंपली ऑन कर देना है। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यानी कि जिसने किसी ने भी PDF भेजा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है उसके नाम पे। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये कंफर्म कर लेना है कि वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो डिसअपीयर मैसेज ऑफ होना चाहिए। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सिंपली आपको आपका माई फाइल्स लिखा आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे सोर्स लिखा आ रहा होगा, उसके नीचे में व्हाट्सअप दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जितने भी किसी ने अगर PDF फॉर्मेट में या फिर नॉर्मली भी व्हाट्सअप पे भेजा होगा वीडियो का, फोटोज़ को, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम यहाँ पे फोटोज़ पे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें फोटो दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, लेकिन आप इसे कैसे अपना यानी कि गैलरी में ला सकते हैं, इसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है इमेज के ऊपर में। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली मूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे DCIM लिखा रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मूव टू हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा मूव हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा ये गैलरी में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गैलरी में ये आ चुका है। इसी तरीके से आप है ना गैलरी में अपना इमेज को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।